नमस्कार दोस्तों, नॉलेज की चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ट्राई ने बिल्कुल साफ कर दिया है और उन्होंने बहुत ही कड़े लिहाजे में ये बोल दिया है सभी केबल ऑपरेटर को, चाहे वो कोई भी केबल हो, किसी भी सिटी में लगा हो, उन सब के लिए साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि कस्टमर को, जो भी उनका यूजर है, उसको वो हर सुविधा मिलनी चाहिए जो किसी भी डीटीएच बॉक्स पर मिल रही है, जहां उससे भी अच्छी सुविधा देना उनकी प्राथमिकता है। कहने का उनका तात्पर्य यह है कि जैसे अगर किसी ने कोई चैनल लेना हो या उसको ड्रॉप करना हो, निकालना हो, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम केबल टीवी में आ रही थी, दर्शकों को यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। एक बात यहां पर बता दें, डिश पर कोई भी डिश हो, चाहे वो एयरटेल का हो, चाहे वो डिश टीवी हो, चाहे वीडियोकॉन का हो, चाहे टाटा स्काई का हो, उस पर हम कभी भी किसी भी टाइम, चाहे रात को, चाहे सुबह, चाहे दिन में दो बार या तीन बार, हम कोई भी चैनल ले सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं। हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐप खोलना पड़ेगा या कस्टमर केयर को कॉल करनी पड़ेगी, दो मिनट में ही अपना काम हो जाता है। पर यह सुविधा कई केबल ऑपरेटरों के पास उपलब्ध नहीं है, जहां पर दर्शकों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। उनको क्या होता था, पहले कॉल करनी पड़ती थी, बोलना पड़ता था, दो चार पांच दिन के बाद वो चैनल निकलता था या मिलता था। दे तो वैसे जल्दी देते हैं, पर निकालना मुश्किल हो जाता, ड्रॉप करना मुश्किल हो जाता था। कई केबल ऑपरेटर मजबूर करते थे दर्शकों को भी ये चैनल रहने दीजिए, अच्छा है, आप ये ले लीजिए, जहां उन्होंने निकालना होता तो तीन पांच करते थे, पांच पांच दिन वेट कराते थे। ऐसी प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा केबल के दर्शकों को आ रही थी, जिनके पास केबल की तार लगी हुई थी। यहां पर ट्राई ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सबसे बड़ी प्राथमिकता आपको देनी है कस्टमर को, उसको सेटिस्फाई करना आपकी जिम्मेवारी है। अगर कोई भी शिकायत किसी भी केबल ऑपरेटर की ट्राई के पास पहुंच गई तो ट्राई उस पर कड़ा से कड़ी कार्रवाई करेगा। हो सकता है कि ट्राई उसका लाइसेंस भी रद्द कर दे। ये सभी केबल ऑपरेटर को वार्निंग उन्होंने दे दी है और जारी कर दी है। कुछ यूजर ने कंप्लेंट की ट्राई को कि उनको अच्छे सर्विस नहीं मिल रही, जैसे कि उनकी वायर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जहां उसको चार से पांच पांच दिन तक देखा नहीं जा रहा है। इस पर भी ट्राई ने साफ कर दिया है कि अगर ऐसी कोई भी कंप्लेंट आई, कोई आपकी सर्विस की प्रॉब्लम हो, जहां आपका कोई चैनल निकालना है या देना है, इसकी कोई प्रॉब्लम आ गई, कंप्लेंट आ गई उनके पास, तो वो 100% श्योर है कि आपका लाइसेंस रद्द कर देगा। आपको क्या करना है, आपको अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है केबल से, तो आपको एक ट्राई को मेल डालनी पड़ेगी, जहां उनकी वेबसाइट पर जाकर आप उनको मैसेज लिख सकते हैं कि हमारे शहर में ये केबल ऑपरेटर है, जहां ये केबल लगी हुई है, यहां पर ये हमें सुविधा नहीं दी जा रही, यहां परेशान किया जा रहा है। तो आपकी मेल पर या आपके मैसेज पर ट्राई जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेगा। ये श्योर है कि अब ट्राई बख्शने वाला नहीं है किसी भी केबल ऑपरेटर को, क्योंकि केबल ऑपरेटर वालों ने बहुत मनमर्जी की है, अपने हिसाब से चैनल दिए हैं, अपने हिसाब से चलाया, उनको वही आदत लगी हुई है। अब थोड़े से सुधरने में टाइम लगेगा, पर यह अब जल्दी ही इनको सुधारना पड़ेगा। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी दोस्तों। थैंक यू।